Hi, welcome back to my channel Simple Beauty and Lifestyle in Hindi. इससे पहले मैंने एक और वीडियो मिक्सर जार के ऊपर डाल रखा है आपने अगर नहीं देखा है तो वाली वीडियो भी आप देख लीजिए उसमें मैंने ये जो ब्लेड मिक्सर का होता है वो जब जाम हो जाता है तो घर बैठे उसको अपने हाथों से कैसे ठीक किया जा सकता है वो डाला था मैंने उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस वीडियो में मिला था उसमें कई कॉमेंट्स ऐसे थे कि मैम जब हम मसाला पीसते हैं तो पानी जो है मिक्स जार के बाहर से गिरता है तो लीक जो जार हो जाता

तो जो आप, आप मसाला जब पीसते हो तो नीचे से जो व्हील है उसके पास से पानी बहता है तो ये यहाँ पे जो है वो जगह होती है जिसकी वजह से पानी जो है नीचे रिसता है और वो बहता है इसमें बेसिकली होता है क्या है इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है एक इसमें छोटे छोटे गोल गोल रिंग की तरह वासर लगे होते हैं वो घिस जाते हैं तो भी पानी लीक होता है तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे ओपन करने का तरीका जो है मिक्सर को जार को खोलने का मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है लेकिन फिर मैं बता देती हूँ यहाँ मैंने एक वॉच ड्रा की है पहले भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाया था इस तरफ से अगर आप मोड़िएगा एंटी क्लॉक तो आपका जो है जार जो है ओपन होगा और इधर घुमाने पे वो वो जो है बंद हो जाएगा तो इस तरह से फॉलो कीजिएगा तभी आपका जो जार है वो ओपन होगा ये मेथड समझ लीजिएगा तो आपको जार के ब्लेड को ओपन करने में बहुत इजी हो जाएगा यू हमें घुमाना है और ब्लेड को ओपन करना है तो इसमें भी दो तरीके से आप कर सकते हो खोलने के लिए एक तो आप दो कपड़ों का यूज कीजिए इस तरीके से एक ऊपर की तरफ ब्लेड दोनों को टाइटली पकड़ लीजिए उसके बाद से उसी तरह डायरेक्शन में मूव करिए जिस डायरेक्शन में मैंने बताया है उस तरह से घुमाइएगा तो ये ब्लेड जो है खुल जाएगी इसके अलावा गाइस मैंने एक तरीका और बताया था जो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ उम्मीद है वो आपके आपको सही लगेगा तो इस तरह का स्पैचुला जो है ये टूल आपको मिक्सर जार जब मिक्सर आप ख़रीदते हो तो उस बॉक्स में ये टूल मिलता ही मिलता है स्पैचुला ये तो ये वाले टूल का इस्तेमाल करना है आपको ये मार्केट में भी आपको सिंगल टूल मिल जाएगा ये मैंने मार्केट से फिर से मंगवाया था मेरा टूर गया था तो अब आपको करना क्या है कि इस टूल के पीछे की तरफ आप देखोगे तो इसमें काफ़ी अच्छे से एक डिज़ाइन बनी होती है इसी इस टूल का यूज़ करते हुए जो मैंने देखा है दुकान वाले इसको खोल देते हैं वैसे उनके पास अलग भी टूल होता है तो इस पर हम इसको बिठा लेंगे ये वाला जो ब्लेड के ऊपर आप एक देख रहे हो स्क्रू टाइप का है उस पर इस तरह से ये बैठ जाएगा ये सेट हो जाता है उस पर उसके बाद से अब इसको हम मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में ये खुलने के लिए और इसको घुमा घुमा के हम खोल लेंगे तो ये देखिए गाइज ये इस तरह से कुछ खुल गया है और ऊपर वाला ये पार्ट मैंने अलग कर लिया है साथ में ये ब्लेड वाला पीस मैंने अलग किया देखिए जो मैं आपको वासर बना रही थी वो वासर यहाँ पे लगा होता है मैं दिखा रही हूँ आपको ये देखिए ये गोल वाली जो रिंग है वही वासर होती है अगर ये आपको टूटा हुआ मिले तो भी इसमें लीकेज हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ऐसे मटेरियल का होता है कि बहुत जल्दी इसमें रस्ट लग जाती है देखिए इसमें मेरा रस्ट लगना स्टार्ट हो गया है अंदर तक पानी रहता है इसमें ये टूट जाता है तो भी जो है आपके मसाले का जो पानी होता है वो लीक करने लगता है तो अगर ये वाला पीस टूटा हुआ है तो आपको स्टील का या लोहे का दोनों का मार्केट में मिल जाएगा और दो तीन रुपए की ये पीस आएगी तो उसको आप लेके कर यहाँ पर वापस से फिट करके आप उसको लगा सकते हैं इस तरह से आप एक एक चीज़ देख लीजिए कि क्या क्या हमने निकाली है तो पहला मैंने बता दिया कि वास्तर की वजह से ये लीकेज होती है तो उसको चेंज कर लीजिए अब दूसरा जो है यहाँ से जो लीकेज होती है तो वो इसकी वजह से भी होती है तो इसको हम निकालेंगे ये बुश बोलते हैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हो इसको निकालने का तरीका मैं बता रही हूँ कि किस तरह से इसको निकाला जाएगा तो यहाँ पे इस तरह का कोई भी एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए और उसको उल्टा कर लीजिए इसके ऊपर इस तरह से सेट से कर लीजिए और हैमर की हेल्प से आपको इसको हल्का हल्का पुश करना है हल्का हल्का करिएगा तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा और इसको एक दो बार इस तरह से करने के बाद आप इसको खींच के निकाल लीजिएगा गाइस इसको बुश बोलते हैं और इसी को इसी के घिसने के बाद से यहाँ का जब मटेरियल घिस जाता है तभी पानी का रिसाव ज़्यादा हो जाता है या क्रैक कर जाता है टूट जाता है तभी पानी यहाँ से घिसने लगता है तो गाइस ये इसमें इस तरह का भी वाशर होता लगा होता है रिंग छोटी सी आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा अगर इस तरह की रिंग इसमें टूटी हुई है तो आप डेफिनेटली रिंग को चेंज कर दीजिएगा अदरवाइज़ वाशर आपका सही है और ये जो बुश है वो ख़राब हो गया है तो इसको चेंज करने का तरीका यही है कि ये पूरा व्हील के साथ आता है आप इसको ले जाके दिखा के वहाँ मार्केट में आप ले सकते हो अदरवाइज़ अब आप उनको बनाने के लिए देते हैं तो वो ढाई सौ से तीन सौ रुपये इस लीकेज का चार्ज कर लेते हैं आपको पता है सिर्फ तीस चालीस रुपये में ये पूरा आपको मिल जाएगा बिल के साथ आप ये पार्ट दिखा करके उनसे ले लीजिए और फिर इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं जिस तरीके से मैंने बता मैं अभी बता रही हूँ और बहुत ईजिली आपका जो मिक्सर लीक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी अगर नया आप ले आ रही हैं ये बुश तो लगाने से पहले आपको इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है क्योंकि ये मूव इसको ब्लेड के साथ मूव करना है इसीलिए ये नया होता है तो उस स्मूथ कम रहता है इसमें या तो वैसलीन लगा लीजिए या फिर किचन का कोई भी कुकिंग ऑयल आप लगा लीजिए इस तरीके से ताकि ये जब ब्लेड लगाओ आप तो उसके साथ ये स्मूथली मूव करे बाकी इसकी क्लीनिंग कर लेंगे और जितने भी वासर इसमें है उसको भी क्लीन करके आप इसमें इसी तरीके से लगा दीजिए वापस से सबसे पहले हमको इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेना है क्योंकि अगर इसमें पहले से जंग लगा है अंदर की तरफ तो फिर वो वापस से जो भी आप नया वाला बुश लगाएंगी वो वापस से उसी तरीके से लीक करने लगेगा थोड़े दिन के बाद इसीलिए इसको भी अंदर से हम जो है थोड़ा सा ऑयली लगाए ऑयल करेंगे ऑयलिंग करने के बाद इस तरह से कपड़े में मैंने ऑयल लगाया है और नीचे की तरफ मैं इसको खींच रही हूँ ताकि अंदर तक इसमें ऑयल लग जाए इसको मैं बाद में इसमें जंग लगने का डर नहीं रहेगा अब हम पार्ट को इसको सेट करेंगे और ये देखिए ये वाला मेरा जो ब्लेड है उसको भी हमें क्लीन करना होगा इसमें भी बहुत जल्दी जंग लग जाती है पानी की वजह से तो जितने भी इस तरह के पार्ट हैं उसको आप क्लीन कर लीजिएगा उसके बाद से ही बुश को चेंज करिएगा नया लगाइएगा ये देखिए मैंने क्लीन कर लिया है अब इसको इसमें मैं बिठा रही हूँ इस तरीके से बिठा के आपको नीचे की तरफ इसको सेट करना है ये देखिए ये ऊपर आ गया उसके बाद से इसको थोड़ा सा मूव करके देख लीजिए ये मूव हो रहा है प्रॉपर और अब हम ब्लेड को बिठा लेंगे और बाकी जो हमारे पास वासर हैं उनको भी हम सेट कर लेंगे इसी में और अब हम ये वाला जो हमने पेज निकाला था इसमें से उसको हम थोड़ा सा पहले हाथ से ही सेट कर लेंगे उसके बाद से इसी टूल की हेल्प से हम इसको लास्ट तक पूरी तरीके से बिठा लेंगे एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छे से इसको कस कस के बिठालना है अदरवाइज़ ये पूरी तरीके से बैठेगा नहीं ढीला हो जाएगा इसलिए इसको अच्छे से आप प्रॉपर सेट कर लीजिएगा तो ब्लेड को हाथ से मैंने पकड़ रखा है आप देख सकते हो एक हाथ से मैंने ब्लेड पकड़ रखा है नीचे से पकड़ लीजिए या फिर ऊपर से और इस तरह से इसको मूव कर करके इसको सेट कर लीजिए ये देखिए मेरा बिल्कुल भी ब्लेड फ्री है और प्रॉपर लग भी गया है तो अगर बुश आप चेंज कर रहे हो तो बिल्कुल ये परफेक्टली आप अपने हाथ से चेंज कर सकते हैं और तीस चालीस रुपए में आप घर पे ही इसको बना सकते हैं आप तो ढाई सौ रुपये का खर्चा उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है अब गैस बात आती है कि बार बार अगर इसको आप हम हम यूज़ करते हैं तो इसका ब्लेड जो है उसकी शार्पनेस वन टाइम ऐसा आता है कि खत्म हो जाता है और जब कैची में और चाकू में हम धार लगाते हैं तो मिक्सर जार में भी धार हम लगा सकते हैं घर पे ही तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक है वो मैं बता देती हूँ ये मैंने ले रखा है सेंधा नमक दस रुपये का आप सेंधा नमक मंगा लीजिए बाज़ार में ये मिलता है ये रॉ रॉ सॉल्ट भी इसको बोलते हैं तो इस तरह से इसको मैं छोटे पीसेस में डिवाइड करूंगी क्योंकि एक साथ इतना बड़ा पीस हमें नहीं डालना है ये देखिए मैंने क्रश कर लिया है इसको और छोटे छोटे पीसेस पर मैं इसको टॉफ़ी बराबर बिल्कुल पीसेस रखिएगा और ज़्यादा छोटा नहीं करना है हमें इसको बस इतना ही काफ़ी होगा इसको ब्लेड को शार्प करने के लिए आप इसको चलाने का तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ ये देखिए मैंने मिक्सर अपनी लगा ली है मैं सेट कर रही हूँ अब हम इसको जब चलाएंगे तो एक सिर्फ एक से दो सेकंड ही हमें चलाना है प्रॉपर हम चलाते नहीं रहेंगे क्योंकि ज़्यादा चलाएंगे तो शार्पनेस नहीं आ पाएगी तो सिर्फ हमें एक से दो सेकंड ही चला के इसको रोक देना है ये देखिए एक से दो सेकंड ही मैंने चलाया है इसको अब मैं इसको मैंने रोक दिया है और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ देखिए पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में नहीं आया बस मैंने ज़रा सा चला के इसको रोक दिया था इसी तरह से चला के आपको रोक देना है और धीरे धीरे इसको पाउडर फॉर्म में बनाना है अब दोबारा से मैं इसको चला रही हूँ फिर रोक दे रही हूँ उसके बाद से फिर मैं चलाऊँगी इस तरह से हमको तीन से चार बारी इसको करना है ये देखिए तीन से चार बारी हम इसको करेंगे इसी तरीके से और उसके बाद से इसको रोक देंगे हम अब देखिए ये लास्ट में ये पाउडर फॉर्म में बन गया है बस ये छोटी सी ट्रिक कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका आपकी ब्लेड की शार्पनेस चली गई है प्रॉपर जो है फाइन मसाला नहीं पीसता है तो आप ये वाला जो है न, यूज कर सकती हो ट्रिक और बहुत इजीली अपनी ब्लेड को आप शार्प बना सकती हो तो आज हमने दो तरीकों को मिक्सर को बनाना घर पे ही समझा है एक तो आप लीक जो हो जाता है जार उसको ठीक कर सकते हैं दूसरा आप ब्लेड को आप शार्प कर सकते हो घर बैठे ही और क्या जाते जाते एक क्विक अपडेट दे, दे देती हूँ मैं ये है एवेटीन टॉयलेट सीट सैनिटाइजर जस्ट वन स्प्रे एंड किल जर्म्स अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो कभी भी तो हाइजीनिक तरीके से यूज़ करने के लिए आप टॉयलेट पर बस एक स्प्रे कर दीजिए उसके सारे जम्स मर जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप चेक कर सकते हो